मॉर्निंग क्लास 7 myself रंजीत कुमार आई वेलकम यू ऑल इन द ई लर्निंग प्रोग्राम ऑफ मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर नवादा दिस इज द सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ द चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा व्हाट इज अमीबा बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इन टू द व्हाट इज अमीबा something I want to revise you all the from last chapter means that is nutrition from plant and I think second last video of the nutrition in plants I have explained you about cell what I have told you about cell is the smallest means the structural and the functional unit of all living organism मतलब किसी भी living organism का सबसे छोटा structure और किसी भी living organism में function perform करने वाला unit कौन है cell है और आपको क्या बताए थे cell के बारे में cell का एक normally अगर ये animal cell हो या plant cell के बारे में बात करेंगे हम लोग कभी शायद क्लास 8 में पढ़ना है अभी नहीं पढ़ना है आपको तो रफली आपको हम एक सेल के बारे में बताए थे क्या कि एक सेंटर में जो होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं और जो बाहर में ये बाउंड्री है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और इन दोनों के बीच सॉरी जो आउटर बाउंड्री है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और इन दोनों के बीच का जो विस्कस लिक्विड है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं ठीक है दिस इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल इसको सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी कहते हैं इसको ओके और इसके बीच में जो ये विस्कस गाढ़ा लिक्विड सेमी फ्लूइड लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं एंड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस इसको न्यूक्लियस कहते हैं अच्छा इसी में आपको हम ये भी बताए थे कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना होता है सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूनिसेल्यूलर और मेनी सेल का जब बना होता है तो उसको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर हम लोग क्या है मल्टी सेलुलर है यूनिसेलुलर कौन हो गया जैसे बैक्टीरिया एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ठीक है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये तीन बातें याद रखनी है आपको क्या क्या सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और एक और टर्म यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का बना हुआ मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल का बना हुआ तो उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं अब जैसे मान लीजिए आपके घर में अकेले हैं आप अगर घर में अकेले हैं तो सारा काम आप ही को करना है खाना भी बनाना है बर्तन भी धोना है घर भी पोछा करना है कपड़ा भी धोना है आपको खुद ही स्नान भी करना है खुद ही खाना भी है सब कुछ आपको खुद करना है अगर आप मिक्स मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो काम का बंटवारा हो गया भाई आप घर साफ कर लीजिएगा आप खाना बना लीजिएगा हम बर्तन धो देंगे ये कपड़ा साफ कर लेंगे ऐसे ऐसे करके काम का डिवीजन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मतलब बड़ा परिवार में तो जैसे हमारा बॉडी एक मल्टी सेलुलर है जिसमें काम का बंटवारा है कुछ सेल है जो डाइजेशन का काम करते हैं उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं कुछ सेल का ग्रुप है जो रेस्पिरेशन का काम करता है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं कुछ सेल का ग्रुप है जो एक्सक्रीशन का काम करता है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं बट यूनिसेलुलर में क्या है बेचारा अकेला है उसको घर धोना पोछा करना सब कुछ करना खुद करना है मतलब उसको डाइजेशन भी करना है एब्जॉर्प्शन भी करना है फूड भी लाना है इंजेशन भी करना है रेस्पिरेशन भी करना है हर काम सिंगल सेल करना ठीक है चलिए अब आते हैं अपने अमीबा पे अमीबा एक यूनिसेल्यूलर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सिंगल सेल का बना हुआ है अमीबा इज ए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड्स और
डिचेस मतलब वो गड्ढा वगैरह में जो पानी होता है उसमें पाया जाता है, जिसका मतलब अमीबा एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात को समझने में। अमीबा इज एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इट इज यूनिसेलुलर एंड इट इज फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिचेस। इट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। सो अमीबा ड्रॉ करना बहुत आसान है, आपको जैसे मन करे वैसे ड्रॉ कर लीजिए, एक न्यूक्लियस बना दीजिए। तो अब समझ कर देखिए, ये एक अमीबा है, एक सिंगल सेल का बना हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका सेल मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया न्यूक्लियस। सो अमीबा में ये इस शेप का भी हो सकता है, फिर उसके बाद आप चाहे तो आप इसको ऐसा भी बनाइए, ये भी अमीबा है। सो ड्रॉ एज यू लाइक, बट याद क्या रखना है, एक बाउंड्री बाहर का होना चाहिए, एक साइटोप्लाज्म होना चाहिए, एक न्यूक्लियस होना चाहिए। सो अमीबा इज अमीबा डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, इट इज इररेगुलर इन शेप, कोई रेगुलर शेप इसका नहीं है। एक और बात, चूंकि इसका शेप फिक्स नहीं है तो अपने शेप को ये बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, ये इसका साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिजिड नहीं है, वो फिक्स नहीं है, उसको जिधर चाहे उधर बढ़ा सकता है। अगर मान लो इस अमीबा को ये पोर्शन और लंबा करना है तो सेल मेम्ब्रेन को इधर की ओर स्ट्रेच कर दिया, तो ये हो गया आपका, एक नया शेप आ गया। So, इसका मतलब दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, दैट्स व्हाई दे प्रोट्रूड और दे एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, दे एक्सटेंड देयर साइटोप्लाज्म अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करते हैं। तो एक्सटेंड अकेले नहीं होगा, साइटोप्लाज्म उसके अंदर जाएगा तब वो एक्सटेंड होगा। अब जैसे मान लीजिए आप बैलून ले लीजिए, बैलून में पानी भर लीजिए, उसको कस के दबाइए, तो बैलून इधर की ओर बढ़ गया, तो पानी के साथ ना बैलून बढ़ गया, और बैलून का आउटर बाउंड्री है ना, अगर बैलून फूट जाएगा तो पानी निकल जाएगा, पानी नहीं होगा तो बैलून उधर नहीं बढ़ेगा। सो समझ लीजिए कुछ ऐसा ही। सो दिस एक्सटेंशन, ये जो बाहर का एक्सटेंड करता है, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स होता है फीट, मतलब ये इसका पैर नहीं है, ये अपने सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड करके उसको पैर का शेप दे दे रहा है, और उसके मदद से वो लोकोमोशन कर रहा है, मतलब मूवमेंट कर रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में ये इसके पैर का काम करता है, ये इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद करता है। तो इसलिए इसको कहेंगे स्यूडोपोडिया। क्यों स्यूडो, मतलब ये जब चाहेगा तब ये स्यूडो पैर है, जब नहीं चाहेगा तो वापस से ये सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा। सो ये क्या कर रहा है, इस पोर्शन को एक्सटेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं कि ये पोर्शन को ये इस तरह से एक्सटेंड कर दिया है और ये इस पोर्शन को इधर एक्सटेंड कर दिया है, पैर कैसा लग रहा है। सो बट जब ये चाहेगा तो वापस से इसको ऐसा कर लेगा, ये जब चाहेगा इसको वापस से ऐसा कर लेगा। सो दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया, मींस फॉल्स फिट। ओके, सो याद रखनी होगी बात क्या, यूनिसेलुलर है, पॉन्ड्स और बीचेस में पाया जाता है, एक्वेटिक है, और इसके पास स्यूडोपोडिया है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, इसका फूड क्या है, यूनिसेलुलर है किसका मतलब माइक्रोस्कोपिक होगा। माइक्रोस्कोपिक कहने का क्या मतलब, दैट कैन ओनली बी सीन विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोपिक उसको कहेंगे जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता, मतलब पानी में अमीबा है हम उसको देख नहीं सकते हैं, आपके पीने वाले पानी में अमीबा रहेगा तो आप उसको देख भी नहीं पाइएगा क्योंकि इसका साइज इतना छोटा होता है आप उसको देख भी नहीं सकते हैं, मगर उसको एक इंस्ट्रूमेंट है जो लेबोरेटरी में रखा हुआ है आपके, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, उस माइक्रोस्कोप के मदद से इसको देखा जा सकता है, इसलिए इसका शेप जो है ये माइक्रोस्कोपिक है। बात समझ में आई? अच्छा, ये जो अमीबा का जो फूड है ये है माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसका फूड क्या है? छोटा छोटा प्लांट और छोटा छोटा एनिमल। सो होते हैं बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिसको ये अमीबा डाइजेस्ट करता है और उसको खाता है। चलिए, ये हो गया एक रफली अमीबा के बारे में। फॉल्स फीट ये सब बात याद रखनी है। तो आपको हम जो बोले थे क्यों याद रखने के लिए, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, क्योंकि यही सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। सो डाइजेशन, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो डाइजेशन का पहला स्टेप क्या था? इंजेशन। क्या है इंजेशन? टेकिंग इन ऑफ सॉलिड फूड इज कॉल्ड इंजेशन। अब ध्यान से सुनना कि मान लीजिए कि ये एक अमीबा है और अमीबा के, और ये एक्वेटिक है, ये तो जानते हैं आप, पानी में पाया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पानी है पूरा भरा हुआ। ओके, अगर मान लीजिए कि कोई फूड पार्टिकल, तो ये एक फूड पार्टिकल है किसके लिए? तो ये अमीबा के लिए, ये एक फूड पार्टिकल है, दिस इज ए फूड पार्टिकल फॉर अमीबा। तो अमीबा क्या करेगा? अमीबा विल एक्सटेंड इट्स साइटो सेल मेम्ब्रेन अलोंग विद साइटोप्लाज्म अराउंड द फूड पार्टिकल। ये क्या करेगा? इसके चारों तरफ अपने मेम्ब्रेन को अलोंग विद सेल मेम्ब्रेन को अलोंग विद साइटोप्लाज्म इसके चारों तरफ घेरा बनाएगा, और जब ये घेरा बनाते बनाते ये और थोड़ा बड़ा होगा, ये और थोड़ा बड़ा होगा, और इसके बाद दोनों फ्यूज कर जाएंगे। तो ये फ्यूज करके अंदर हो गया और ये दोनों फ्यूज करके बाहर का बाउंड्री बना दिया। तो अभी क्या हो रहा है? द फूड पार्टिकल अलोंग विद द वाटर मॉलिक्यूल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा एंड दिस स्ट्रक्चर दिस इज फॉर्म्स इट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। इसको क्या कहेंगे? फूड वैक्यूल। ये क्या हो गया? इंजेशन। नेक्स्ट स्टेप डाइजेशन। भाई डाइजेशन में क्या करेंगे? डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहां है डाइजेस्टिव जूस? साइटोप्लाज्म में। सो डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इंटर इनटू द फूड वैक्यूल। ये डाइजेस्टिव जूस जो है दैट विल इंटर इनटू द फूड वैक्यूल एंड इट विल ब्रेक फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस। सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंस में इसको तोड़ दिया तो हो गया डाइजेशन। चलिए, डाइजेशन कंप्लीट। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव जूस कहां से आया? साइटोप्लाज्म से आया। कहां आया? फूड वैक्यूल में आया। क्या किया? जो फूड को ट्रैप किया है उसको तोड़ा। थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? द सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस डायरेक्टली मूव फ्रॉम द फूड वैक्यूल इनटू द साइटोप्लाज्म। मीन्स सिंपल सॉल्युबल फूड मूव इनटू
साइटोप्लाज्म। तो हो गया एब्जॉर्प्शन। चलिए थर्ड फोर्थ है एसिमिलेशन। तो बात क्या है एसिमिलेशन में, तब ये जो फूड पार्टिकल्स को जिसको एब्जॉर्ब किया है उसको यूटिलाइज करेगा फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट, फॉर रिपेयर, जो भी काम है अपना वो करेगा। चलिए ये तो हो गया काम। अब इसमें जो बच गया है, अब जो बच गया है वो बच गया है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बच गए होंगे, अब उसको बाहर करना है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। क्या होगा जब इसको इजेशन करना होगा, सिंपली ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएंगे और ये वापस से अपने शेप में चला आएगा और ये अनडाइजेस्टेड पार्टिकल बॉडी से बाहर हो गया। दिस इज कॉल्ड इजेशन। सो व्हाट इज अमीबा? अमीबा इज एन यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिचेस। दूसरा पॉइंट, फूड फॉर द अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, दे टेक और दे हैव स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन मींस मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ द फूड। आफ्टर दैट द स्टेप्स ऑफ द फूड डाइजेशन इन अमीबा, फर्स्ट इज इंजेशन। व्हेनेवर ए फूड पार्टिकल इज एनकाउंटर्ड बाय द अमीबा, द स्यूडोपोडिया इनगल्फ इट और सराउंड इट एंड द टिप ऑफ द स्यूडोपोडिया फ्यूज टूगेदर टू फॉर अलोंग विद मींस फॉर ए फूड वैक्यूल। दिस फूड वैक्यूल कंटेन्स पॉन्ड वाटर अलोंग विद फूड। क्या क्या है इसमें? कुछ पानी है और कुछ फूड का फूड है, मतलब कुछ फूड पार्टिकल्स, मतलब फूड पार्टिकल और पानी पैक हो गया, इसको क्या कहेंगे? फूड वैक्यूल। पहला स्टेप डन। डाइजेशन, डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंटर इनटू द फूड वैक्यूल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड सब्सटेंस। एब्जॉर्प्शन, सिंपल सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। इजेशन, व्हेन द अनडाइजेस्टेड पार्टिकल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी व्हेन द स्यूडोपोडिया रिट्रैक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप लीविंग बिहाइंड द फूड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। लाइक दिस इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन इज सीन इन अमीबा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए इतना बोलने के बाद। अब हम लिख देंगे वीडियो, ऑलरेडी 18 मिनट का हो गया, लिखते हैं फिर आप लिखिएगा। So, as you can see, amoeba is an aquatic unicellular microscopic organism found in ponds and ditches. It keeps changing their shapes by pushing out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet. Amoeba eats tiny microscopic plant and animals. एक और बात यहाँ पे लिख लीजिए, pseudo Podia is used for locomotion and capturing food. इस बात को भी लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, nutrition in amoeba. First step. Diagram के साथ हम चल रहे हैं, सब diagram बताएंगे. Ingestion, when amoeba encounters food, it pushes out two pseudopodia around it. Gradually, tips of pseudopodia fuses. मतलब जब फूड को देखा, encounter किया, it pushes two finger-like projections pseudopodia around the food. Gradually, tip fuses.
ये दोनों टिप, ये दोनों जो है ये दोनों टिप है, ये और ये टिप है, ये फ्यूज टुगेदर हो जाएगा। एज अ रिजल्ट फूड इज इनगल्फ मतलब निगल लिया गया with little amount of water to form food vacuole। देखिए यहाँ पे food vacuole बन गया और ये हो गया आपका food particle, ठीक है? Okay, so I have explained to ingestion, this is digestion। The enzyme from the surrounding cytoplasm मतलब इसके चारों तरफ cytoplasm है, enter the food vacuole and break down food into simple soluble substance। तो ये क्या हो गया? Digestion done। Absorption याद रखिएगा, जब digestion show करना होगा तो आपके पास color वगैरह ये सब तो कुछ use नहीं कर रहा है, तो सिर्फ एक arrow show कर दीजिएगा जो food vacuole के तरफ pointed है। उसके बाद undigested food is absorbed directly into the cytoplasm। ये समझाने के लिए एक एरो शो कर रहा है जो फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म की तरफ पॉइंटेड है। तो हो गया एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन। अब ये शो करने के लिए एक और तरीका आप ये कर सकते हैं, कर लीजिएगा अपने बुक अपने कॉपी में फेयर बनाते समय, मेरे को कुछ बहुत जरूरी नहीं लगा इसलिए हम आपको नहीं बताए। हम क्या करना है, सेम ऐसा ही एक अमीबा बनाना है। एक अमीबा बनाइएगा, अमीबा रफली बोल ना कोई भी शेप बना सकते हैं। ये होगा फूड वैक्यूल, ये होगा अनडाइजेस्टेड फूड। तो इसमें आप क्या शो कीजिएगा, इसमें इसको थोड़ा सा बड़ा शो कर दीजिएगा। हम छोटा सा बना लीजिएगा, छोटा सा बनाया है तो आप बड़ा सा बना लीजिएगा, थोड़ा बड़ा बनाइएगा। इससे कोशिश कीजिएगा थोड़ा बड़ा करने का, उसे क्या हो जाएगा ये शो कर देगा कि इसका साइज जो है इससे बड़ा हो गया है। तो ये हो गया एसिमिलेशन। और लास्ट है इजेशन, इसमें एरो वगैरह कुछ शो नहीं कीजिएगा। द सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर्स, कहीं से फट जाएगा सेल मेम्ब्रेन एट एनी प्लेस एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। सो ये हो गया डायग्राम। याद रखिएगा ये पांच डायग्राम आपसे आएगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट हम दे सकते हैं राइट द डायग्राम्स ऑफ डाइजेशन इन अमीबा। तो याद करना होगा पहले में सीरोपोडिया के मदद से कैप्चर, दूसरे में एरो अंदर की ओर टुवार्ड्स फूड वैक्यूल, तीसरे में एरो बाहर की ओर टुवार्ड्स साइटोप्लाज्म, चौथे में थोड़ा सा बड़ा अमीबा और पांचवे में अ रप्चर इन द साइटोप्लाज्म दैट विल रिलीज द अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी। चलिए समझाने का तो कोशिश किए हैं, कोई कोताही नहीं बरते हैं। आपको जितना आप लोग को चाहिए उससे इंफॉर्मेशन 1.1% 0.2% कुछ भी हो, ज्यादा ही होगा, कम होने का संभावना नहीं है, ठीक है? सो और हमको लगता है कि जितना हम बताए हैं उन सब चीजों को आप लोग को समझना चाहिए। आपको एक बात बता देते हैं बाबू, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये कभी नहीं सोचिएगा कि छोटा हमको आंसर लिखाइए। आप हमेशा सोचिएगा इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए आपके लैंग्वेज में और वो समझने लायक होना चाहिए। आपको समझना है, इस आंसर को लिखना रट के नहीं है, इसको समझना है और इसको समझ के अपने लैंग्वेज में लिखना है। ये तो एक हम टेम्पलेट एक एग्जांपल बता दिए कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप लिखिए अपने लैंग्वेज में, थोड़ा बड़ा करके लिखिए, नो प्रॉब्लम, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, हमको दिक्कत उससे नहीं है। दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि जो लोग चाहते हैं कि सर छोटा आंसर लिखाइए, हम रट के उसको लिख देंगे। रट के लिखिएगा तो फिर क्या फायदा, उसको कितना दिन आप रखिएगा? समझ लीजिएगा तो आप इसको खुद से लिख सकिएगा। सो कोशिश कीजिए समझने का और इन चीजों को लिखने का और याद करने का। डाइजेशन एक प्रोसेस है बाबू, इसको छोटा नहीं कर सकते हैं, ये सफिशियंट आपको लगता है, बहुत छोटा किए हैं हम अपने समझ से। आगे देखिए, फिर भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, आई एम देयर ऑलवेज देयर। ओके।